गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो क्लास 11 का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 से पहले के कुछ समुच्चयों के बारे में समझना है, उसको समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट्स। चलिए तो समझ ले, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें तो a बराबर x सच दैट x, और ये कैसे होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 2, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसको समझे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए का एलिमेंट यक्स है, उस यक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है उसका, उसका उसे इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अगर हम समझे तो यह यक्स एक से बड़ा और दो से छोटा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, परंतु हमें पता है कि एक और दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, इनके मध्य में कोई और प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट है वो शून्य है, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से इसे हम रिक्त समुच्चय, मतलब कि रिक्त समुच्चय को हम या तो खाली, जैसे ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इससे दर्शाते हैं, या तो खाई से दर्शाते हैं, ये रिक्त समुच्चय है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझे, जैसे अगर हम लिख दें, जैसे d बराबर x सच दैट x संख्या 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। कहने का मतलब इस समुच्चय के जो एलिमेंट हैं वह एलिमेंट 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमें पता है कि सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 है, मतलब कि 2 से बड़ा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या लेना है, इसका मतलब यह हुआ कि इस समुच्चय के जो एलिमेंट है उनकी संख्या शून्य है, अर्थात इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यह बी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसको इस तरह से दर्शाएंगे। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय पर। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, इसको हम लिखेंगे फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट। ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें, इसका डिफिनेशन है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या रिक्त समुच्चय हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे परिमित समुच्चय अर्थात उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x, और यह x 6 से छोटा या उसके इक्वल और 2 से बड़ा।
प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरह से तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस एलिमेंट इस सेट के जो भी एलिमेंट है वे सभी एलिमेंट 6 के बराबर या 6 से छोटा और 2 से बड़े हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। ये इसका एग्जांपल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिमित संख्या मतलब कि इसकी संख्या निश्चित है अर्थात परिमित है, तो हम इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए अपरिमित समुच्चय, तो वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बी बराबर x such that x is equal to n, जहां n belongs to capital N। तो यहां पर हम अगर देखें तो ये जो एलिमेंट हैं सभी n के इक्वल है और ये जो n है प्राकृतिक संख्या में बिलोंग कर रहा है अर्थात इस प्राकृतिक संख्या का एलिमेंट है। तो यहां पर जो भी इसके एलिमेंट होंगे सभी प्राकृतिक संख्या होंगी। तो अगर उसे हम लिखें तो यहां पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं सभी संख्याओं को लिखूं। देखिए अपरिमित संख्याओं को या अपरिमित समुच्चय को हम यदि सूची विधि या तालिका विधि से व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करते हैं उसको समझ लें। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हम सभी संख्याओं को ही लिखें। देखिए अपरिमित तो समुच्चय हो गया यहाँ से, लेकिन अगर मैं इसको व्यक्त करना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ 1, 2, 3। अगर इतना लिख दिया और आगे 3 डॉट लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये इसी तरह कंटिन्यू आगे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे, और आगे इसको हम मतलब ब्रैकेट के से क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर तरीका है कि आप अपरिमित समुच्चय में जो उनके एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को उतनी बार लिखिए जिससे उनकी आगे की संरचना स्पष्ट हो जाए, और उसके बाद 3 डॉट लगाकर आप मजले ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इस तरह से हम उसको सूची विधि या तालिका विधि से या हम कह सकते हैं रोस्टर विधि से दर्शा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये हो गया परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद है समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट्स, ऐसे दो समुच्चय जैसे मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हो और बी के सभी एलिमेंट ए में मिल रहे हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे यहां पर अगर लिख दिया जाए ए बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और दूसरा समुच्चय मैं लिख लूं b बराबर दूसरी विधि से अगर इस तरह भी लिख लें x such that x is greater than 0 is less than 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी एक समुच्चय ये एक समुच्चय है, और कोई जरूरी नहीं कि यहां पर मैंने तालिका विधि से लिखा और यहां पर गुण विधि से, तो ये दोनों अलग अलग विधि से हो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही विधि से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इनके एलिमेंट को ध्यान में रखना है कि इसके क्या एलिमेंट होंगे और इसके एलिमेंट क्या होंगे। तो अगर हम यहां देखें तो ए का एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, और बी को जो हम लिखे हैं उसमें जो यक्स है वो 0 से बड़ा और 5 से छोटा प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम अगर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं 0 से बड़ा प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और 5 से छोटा चाहिए तो 4 तक लिखेंगे। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बी और ए दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं, तो हम इस प्रकार के समुच्चय को कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं
ए बराबर बी या बी बराबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम प्रश्नावली में चलते हैं 1.2 में। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यहाँ से चार उदाहरण दिए गए हैं, अब इसमें से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण, ये चीज हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए, विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या दो से कभी भी भाज्य होंगी? दो से भाज्य वही संख्याएं होंगी जो कि सम संख्या हो। तो हम कह सकते हैं कि दो से कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या विभाजित नहीं होगी, तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि दो से विभाजित हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब बताइए, सम अभाज्य संख्या हमें पता है कि केवल और केवल दो है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है, तो हम इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ये यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ यक्स इज लेस देन 5 और यक्स इज ग्रेटर देन 7। तो एक चीज याद रहे कि इस समुच्चय का जो एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्या है, और वह संख्या 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। तो अब बताइए, 7 से बड़ा और 5 से छोटा कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 5 से छोटे हो गए, और 7 से बड़ा मतलब कि 8, 9, 10 इस तरह से, ये हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो यह समुच्चय जो होगा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये नहीं है। और लास्ट देखें, वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखाएं आप जानते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, तो हम कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो मैं इसे सुधार दे रहा हूं। यहाँ पर होगा यक्स लेस देन 5 और 7 ही 7, यक्स इज ग्रेटर देन 7, ये है इसके लिए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां यक्स इज लेस देन 5 और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। कहने का मतलब वो यक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ 7 से बड़ा होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई एक संख्या नहीं हो सकती है, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है। और इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें इसे भी हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि वर्ष के महीनों में जो 12 महीने हैं
जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक यह निश्चित है, अर्थात इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। दूसरा 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 और मजला ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब यह है कि 1 2 3 इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और यह इनफाइनाइट तक है। और जो कि ये किस प्रकार की संख्याओं का समुच्चय है, तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम कह सकते हैं यह एक अपरिमित समुच्चय है। आगे बढ़े तीसरा, तो तीसरे में 1 2 3 डॉट 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 99, 100 फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। हम कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट यहाँ 3 डॉट आप देख रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये अपरिमित है, क्योंकि यहाँ लास्ट में जो दो नंबर हैं उससे निर्धारित हो जा रहा है, उसकी सीमा वहीं पर समाप्त हो जा रही है, यहीं तक 100। तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 से लेकर 100 तक है, ये निश्चित है। आगे देखें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हैं, 101, 102, 103 इस तरह से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं ये सभी धन पूर्णांक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। लास्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक अगर हम लिखना चाहें तो कुल उनकी संख्या 25 होगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29 इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं 99 तक लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि कुल उनकी टोटल संख्या 25 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो संख्या है वो निश्चित है, तो यह एक प्रकार का परिमित समुच्चय है। तो ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे अगर देखा जाए तो यह सेम दूसरे क्वेश्चन की बात ही है, तो आप इसको खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में 2 प्रकार के सेट है और इन दोनों समुच्चयों में हमें बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। जैसे ए में अगर देखें ए बी सी और डी ये इसके एलिमेंट है और बी में भी डी सी बी और ए ये 4 एलिमेंट है। तो हम जानते हैं कि समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें पहले समुच्चय के सभी एलिमेंट दूसरे समुच्चय में और दूसरे समुच्चय के सभी एलिमेंट पहले समुच्चय में हैं, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ए और बी इसमें पहले हम एलिमेंट मिला लें दोनों में एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं, और यदि इक्वल है तो एलिमेंट जो है वो सेम है कि अलग अलग है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए पहले तो 4 एलिमेंट यहाँ भी 4 एलिमेंट यहाँ भी, तो अब हम इनके एलिमेंट को मिला लें कि वही एलिमेंट है या कोई अलग अलग है। यहाँ पर देखें तो ए है यहाँ पर भी ए है, बी है यहाँ पर भी बी है, सी है यहाँ पर भी सी है और डी यहाँ पर भी डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों समान समुच्चय है, तो ये समान समुच्चय होगा। आगे दूसरे में देखें तो ए और बी